हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूँगी, एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होती है, और क्वाड्रिलेटरल के टोटल साइड्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ठीक है, ओके, सी यहाँ पर ए बी सी डी टोटल 4 साइड हैं। ठीक है, एंड हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, एड अप कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा वैल्यू, 360/30। 0 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे, 3 3 3 2 6, तो मतलब x की वैल्यू हमें कितना मिला, 12। ठीक है, x इज इक्वल टू 12। नाउ हम एंगल ए की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 3 × x = 3 × 12 = 36 डिग्री। एंगल ए हमारा 36 डिग्री आया। उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे एंगल बी, एंगल बी इज़ इक्वल टू 5 × x = 5 × 12 = 60 डिग्री। एंगल सी जो होगा वो होगा 9 × x, तो 9 × 12 = 108 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी जो है वो इक्वल होगा 13 × 13 × 12 = 156 डिग्री। ओके, तो हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर उसके डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का अगर इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर आपको बता रखा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लेंगे इन ट्रेंगल, अगर हम बात करें हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, तो हम ले सकते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी सी एंड ए बी डी इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए बी क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और साथ ही साथ बी सी जो है वो इक्वल है किसके, ए डी के, क्योंकि हमने बताया कि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। और यहाँ पर ए सी जो है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी। ओके, तो साइड से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड। ठीक है, ओके, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बोल सकते हो ये कॉन्ग्रेंट हो गया ना, उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक है, एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल जो है और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है,
और हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम है तो ए डी जो है वो पैरेलल होगा बी सी का, उसी तरीके से ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी सी से, डी सी के, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अगर ए डी इज पैरेलल टू बी सी है तो हमें पता है कि इसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये दोनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये दोनों क्या है इक्वल है, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। तो हम बोल सकते हैं टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री होगा, ओके। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री होंगे। तो ऑफकोर्स सारे के सारे यहाँ पे जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं सभी 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके क्या होते हैं अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। तो सारे के सारे जो इंटरनल एंगल्स हैं ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, तो सो डेट हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी हैंस, यहाँ लिख सकते हो हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। सो डेट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। क्या बोला जा रहा है कि सो करो कि इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इज, डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एक राइट एंगल से, तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स हैं, एक मिनट, इसको डायगोनल, इसके डायगोनल्स हैं, ओके ओके। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल ए सी और बी डी है, ए सी और बी डी क्या है इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है। नाउ हमें गिवन क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी इज नहीं नहीं उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करे एक दूसरे को 90 डिग्री से, मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल सभी क्या है 90 डिग्री है। मतलब हमें गिवन है कि ए, इसको नेमिंग कर देते ओ, ठीक है, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब सारे के सारे 90 डिग्री है, मतलब ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सारे 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें सिंपली हमें करना क्या होगा कि रोम्बस है तो हमें तो पहले इसके सारे साइड्स को इक्वल करना होगा, ठीक है, और तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और भी हमें कुछ तो गिवन नहीं है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब आप बोल सकते हो ये साइड इक्वल होंगे और ये इक्वल होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये भी गिवन है कि ए ओ और ओ सी इक्वल है एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ये भी गिवन है। तो नाउ लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें पता है, और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी पता है एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी पता है, ठीक है। नाउ हम साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी आर कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ए डी जो है वो इक्वल किसके होगा बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ओके। अब नेक्स्ट हम इन दोनों का करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ए ओ जो है वो इक्वल है ओ सी के, डी ओ कॉमन है दोनों में, डी ओ क्या है कॉमन है दोनों में, ओके, डी ओ कॉमन है दोनों में, और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से फिर ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी
आर कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल साइड से. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए डी, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी. तो ए डी डी सी के इक्वल है इसका. और हमने अभी जस्ट देखा था कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी. इक्वेशन वन इसको मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो. तो हम कह सकते हैं कि सारे साइड्स क्या है, इक्वल है. तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, ये सारे साइड्स क्या है, इक्वल है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रोम्बस है. ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में. हाँ, यहाँ रोम्बस होने के लिए दो कंडीशन होती है. पहला तो साइड्स इक्वल होते हैं, और जो ये बाइस दो जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड करते हैं. तो ये तो ऑलरेडी गिवन था, तो हमें इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी. सिंपली हमें क्या करना था कि सारे साइड्स को इक्वल कर देना था, जो कि हमने कर दिया. बस यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि ये एक क्या है, रोम्बस है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में. सो डेट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को कितने कितने में, राइट एंगल में. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है, ना यहाँ पे देखो, ईच अदर एट राइट एंगल. तो यहाँ पे देखो, सो डेट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. डायगोनल जो है स्क्वायर का वो इक्वल है. एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना देते हैं. हमें सिर्फ गिवन है कि एक स्क्वायर है. ठीक है, उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को वो दोनों डायगोनल्स जो है इक्वल हैं. ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है. और साथ ही साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किस में, 90 डिग्री में. ठीक है, हमें ये भी बताना है. ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है वो देख लो. स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू डी सी. ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक में रुकना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है, यहाँ तो चेक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये गिवेन है तुम्हें, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें सिंपल ये करना है. अगर मैं इसको ओ नाम दे दूँ, तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है. बाकी सारे जितने भी हैं यहाँ पे सो हो रहे हैं, सभी 90 डिग्री के, ये हमें प्रूफ करना है. और साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है कि ये क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल. ओके, और साथ ही साथ प्रूफ करना है कि ए सी और बी डी जो है वो इक्वल है. ये दोनों ही चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल डी बी सी, एंड ट्रायंगल डी बी सी. ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि डी सी जो है वो कॉमन है दोनों में. ठीक है, ए डी सी एंड डी बी सी में डी सी जो है कॉमन है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, क्योंकि साइड साइड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं. और यहाँ पर हमें क्या पता है, स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड्स हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया इसे. तो आप बोलोगे ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड. ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि ए सी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर लिया. नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लेंगे इन दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी, ए ओ डी, ये ओ है. ठीक है, ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डी ओ कॉमन है दोनों में. ठीक है, डी ओ कॉमन है दोनों में, और ए डी जो है वो इक्वल है डी सी के. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है, और एंड एंड बाइसेक्ट इस अदर बोल रहा है, तो ऑफकोर्स ए ओ भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी. ठीक है, तो साइड 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 से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया. तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड साइड साइड. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर इक्वल है तो 100% यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी.
ठीक है, और हमें क्या पता है ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट हम बोल सकते हैं कि ए ओ डी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये दोनों इक्वल है तो बोल सकते टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिमिलरली आप इसी तरीके से आप ए ओ बी एंड फिर उसके बाद बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी, ये सभी भी हमारे क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। यही हमें क्या करना था, प्रूफ।